कहते हैं बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ ही होती है। हर माँ अपने लाडलों को दुनिया की हर खुशी देने का प्रयास भी करती है, लेकिन कुछ समय की मार चलते अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ में स्कूल बैग की जगह पकड़ा देती हैं कचरा ढोने का बोरा, जिन्हें देखते ही सब नाक भौं सिकोड़ने लग जाते हैं। लेकिन हम एक ऐसी माँ से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने इन बच्चों के हाथ से न केवल कचरे का झोला छुड़ाया बल्कि उनको शिक्षित कर समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। ऐसी माँ का नाम है विमला कुमावत, जो अब तक 400 गरीब बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ चुकी हैं। कंधे पर प्लास्टिक का बोरा टांगे, चिथड़ों में लिपटे, बहती नाक, गंदे कपड़ों, चिकट हुए बालों वाले बच्चे कचरे के ढेर से भी 2 जून रोटी का जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। कचरे के ढेर पर इन बच्चों को देखकर हर किसी ने इनके माँ बाप को जरूर कोसा होगा, किसी ने सरकार को तो किसी ने समाज के खिलाफ भड़ास निकाल उतारी होगी, लेकिन इनके लिए किसी ने कुछ करने का प्रयास नहीं किया होगा। लेकिन महेश नगर में एक ऐसी गुरु माँ है जिन्होंने अपने दम पर समाज और दुनिया से लड़ झगड़ कर ऐसे ही कचरा बीन कर जीवन यापन करने वाले बच्चों की जिंदगी संवारने का काम किया है। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। मम्मा रोडों पे खेलते थे, 5 बहन भाई थे। दादी जी ने ना हमारे माता पिता से बात की तो उन्होंने बोला कि इनको भेजो, इनका भविष्य खराब क्यों कर रहे हो। तो दादी मेरे पिताजी ने बोला कि ये छोटे मेरे भाई 3 महीने का था, तो ऐसे बोले कि 3 महीने के बच्चे को कौन रखेगा। तो दादी ने बोला कि इसे भी अपनी बड़ी बहन है ना साथ ले आएगी, तो हम स्कूल जाने लगे। इनको एक एक बच्चे को लेके आई हूँ मैं। तो ये बच्चों खुद भी नहीं पढ़ना चाहते थे, फिर इनके माँ बाप भी नहीं पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि ये 10-20 रुपये कमा लेते थे, उससे खुद का खाना और मतलब नहाना धोना नहीं, मंजन नहीं करना, ये इनका पेशा था। मंजन इन्होंने कभी किया ही नहीं था। कचरा वगैरह बीनते तो उसमें ज़्यादा पैसे आते थे, तो हमें लालच था कि यार अगर वहाँ पे जाएंगे तो टॉफी तो वैसे खरीद लेंगे, कचरा बीन के 20-25 रुपये तो आ जाएंगे, तो कचरा बीनने चलते। जैसे कचरा लेकर हम कट्टा बीन के जाते थे तो कई बच्चे दिखते थे ऐसे बैग ले जाते थे, मतलब स्कूल के बच्चे दिखते थे, तो हम सोचते थे कि यार हमें भी जाए, लेकिन फिर मतलब वो है कि यार गुटखा खाते थे वैसे। आप सारी विमला को इन बच्चों को नारकीय जिंदगी से निकालने के लिए दुनिया भर की परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि इन बच्चों के माँ बाप भी इस बात के पक्षधर नहीं थे कि इन्हें पढ़ाया लिखाया जाए। अब भी है ना ससुराल वाले पीछे पड़ते कि हम भेज दो से छोटी वाली को, लेकिन मैं रोने लग जाती हूँ, मैं तो नहीं जाऊँ, मेरी दादी को छोड़ के नहीं जाऊँ। इनको पकड़ के रख रखा है, इनको कल ही चले जाएंगे। मैं इनको यही हिम्मत दिलाती हूँ कि घर वाले अब भी आते हैं, देखने वाले आए हैं, इसको लेके जाएंगे, शादी करेंगे, पर मैंने रोक रखा है, मैं नहीं भेजूँगी। मैं इसको जब तक पैरों पर खड़ी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, दूसरे ही दिन मैं मना नहीं करूँगी, चले जाएगी। जयपुर की महेश नगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार की आम सी दिखने वाली बुजुर्ग महिला विमला कुमावत के लिए ये राह आसान नहीं थी, लेकिन उनकी ललक और मेहनत के आगे सबको झुकना पड़ा। अब इलाके में सड़कों, ठेलों और कचरों के ढेर से निकले उनके हीरे उन्हें दादी के नाम से पुकारते हैं, समझते हैं कि वो उनके लिए कितनी खास है। रोना किस बात का, क्या सोचते रहते हो? ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कोई बात, तो मेरा सबसे प्यारा बेटा है। हमारी हर देखभाल और हर सुविधा की दादी को चिंता लगी रहती है, हर चीज़ की जरूरत पड़ती है तो दादी पूरा करती है। दादी जब बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के दिखाती है, ख्याल रखती है, जो भी बीमार हो जाता है उसको अपने पास से लाती है।
लोगों के ताने, गालियां, परिवार की नाराजगी सब कुछ झेलते हुए इस दादी ने झुग्गी बस्तियों में अज्ञान के अंधकार में जी रहे बच्चों के जीवन में शिक्षा की रोशनी का रास्ता खोला। 5 बच्चों से शुरू हुई उनकी पाठशाला में आज गरीब और पिछड़े परिवारों के 400 बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। हॉस्टल में 1 साल हुआ है, मैं यहाँ पे बस्ती रहती थी, एक उसमें रहते थे हम, तो अब वो बक्सा वाला चले गए तो वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। यहाँ पे म्यूजिक सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, सिलाई सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, म्यूजिक क्लास चलती है, सीखते हैं। ये 400 बच्चे तो पढ़ के चले जाते हैं और करीब 29 बच्चे मेरे पास रहते हैं, तो इन बच्चों का खाना पीना सब यहीं होता है और इनको म्यूजिक भी सीखते हैं, संगीत भी सिखाने के लिए आते हैं। ये दूसरे स्कूलों में इनको भेजती हूँ, रखती मैं हूँ, मैं यहीं रहती हूँ। दरअसल विमला देवी ने बताया कि वर्षों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक धन प्रकाश त्यागी ने उन्हें गरीब बच्चों को शिक्षित करने जैसे पुण्य कार्य के प्रति प्रोत्साहित किया था। शुरू में बस्ती वाले भी बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते थे, तब लगता था कि वे इस कार्य को नहीं कर पाएंगी, लेकिन धन प्रकाश जी हमेशा उन्हें हौसला बंधाते रहते थे। मैं हार चुकी थी, उन्होंने मुझे ऐसी प्रेरणा दी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा जीवन धन्य कर दिया, पर मेरा जीवन उसी दिन धन्य होगा जिस दिन ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आरएसईबी से सेवानिवृत्त पति, 3 बेटे और बहुएं भी उनका पूरा सहयोग करती हैं। साथ ही उनका 11 शिक्षकों का स्टाफ भी कम मानदेय लेकर उनका पूरा सहयोग करता है। उनके साथ शिक्षकों में एमए बीएड नीरज, सेवानिवृत्त शिक्षक सूर्य प्रकाश, इंजीनियर आशीष गुप्ता और सीए सरला बहल भी उनकी हर संभव सहायता करते हैं। ये स्कूल में बिना वेतन के पढ़ाते हैं। मैं यहाँ लगभग 10:30-11 बजे आता हूँ और 1:30 बजे चले जाता हूँ। ये 2-3 घंटे का समय इस साला के लिए मैंने उनको कह दिया। विमला कुमावत को मदर्स डे पर सलाम, जिन्होंने असल गुरु माँ की भूमिका निभाई है। बगैर सरकार का मुंह ताके केवल अपने और समाज सेवियों के दम पर ऐसे गरीब और खाना बदहोश बच्चों को जीने का संबल दिया, उनके जीवन में शिक्षा का दीप जलाया, जिसे समाज के उपेक्षित वर्ग के ये बच्चे अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। मेरी माँ, प्यारी माँ, हर पल में खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ। भगवान क्या है, माँ की पूजा करो जनाब, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। दिखने में कुछ, होने में कुछ, दुनिया दो रंगी बेटा। दिखने में कुछ, होने में कुछ, दुनिया दो रंगी बेटा। सुख में अपने, दुख में पराए, ये साथी संगी बेटा, ये साथी संगी बेटा। अनमन मन से मैं सुनी अनसुनी कर, मन ही मन झुंझलाता था। अनमन मन से मैं सुनी अनसुनी कर, मन ही मन झुंझलाता था। अपनी समझ से मैं खुद को समझदार और चालाक ही पाता था। जब अपने ही जूते की कील से इन रस्तों पे लंगड़ाता हूँ मैं, याद आती है माँ, याद आती है माँ, याद आती है माँ, याद आती है माँ। चलते चलते आप सभी को एक बार फिर मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो माँ की महिमा के गुणगान के लिए पूरा जीवन कम है, लेकिन उम्मीद है हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार। मां